ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मित्रों, अक्षय तृतीया आ रही है। अक्षय तृतीया के दिन कैसे पूजा अर्चना किया जाए ताकि हमें पूरा लाभ मिले उसका, क्योंकि बहुत ही शुभ माना जाता है अक्षय तृतीया को। अक्षय तृतीया को आपको मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी कार्य आप स्टार्ट करते हैं तो शुभ होता है और सफल होता है। तो इसीलिए शुभ मुहूर्त जानना बहुत ज़रूरी है, महत्व जानना इसका बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको इस वीडियो में अक्षय तृतीया 2022 के बारे में बताने वाले हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है। इसीलिए वीडियो बहुत खास है, अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके काम आने वाली है। और एक काम कर दीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है तो एक बार ओम विष्णुवे नमः कमेंट में जरूर लिखिए। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। हर साल वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर अक्षय तृतीया का पावन पर्व आता है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इसको अक्षय तृतीया को सभी पापों का नाश करने वाला और सभी सुखों को प्रदान करने वाला तिथि माना जाता है। इस साल 3 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पावन पर्व पड़ रहा है और इसके महत्व को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले लेकिन पूजा की विधि को समझ लेते हैं। इस पावन दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन यानी कि इस बार 2022 में 3 तारीख को सुबह जल्दी उठकर के स्नान कीजिएगा। स्नान ध्यान करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा, नया हो तो नया पहनिएगा। इसके बाद घर के मंदिर में दीप जला दीजिएगा, देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा। इस पावन दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का बहुत ही विशेष महत्व है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग जरूर लगाइएगा। इस बात का ध्यान रखिए, भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय। एक बार कमेंट में जय माँ लक्ष्मी भी जरूर लिखिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी के बगैर तो हम लोगों के जीवन में, वैसे भी आप जानते हैं, कली काल में बहुत परेशानी है। भगवान की आरती कीजिए। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान कीजिए। भगवान का ध्यान बहुत ही अच्छा और शुभ होता है। अक्षय तृतीया का महत्व क्या है? तो अक्षय तृतीया के दिन अबूझ मुहूर्त रहता है। इस पावन दिन किसी भी तरह के शुभ कार्य आप कर सकते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। धार्मिक शास्त्र की बात माने अगर हम तो अक्षय तृतीया के पावन दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन पितृ संबंधित कार्य करना बहुत ही शुभ रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन दान पुण्य करने का बहुत अधिक महत्व होता है। अक्षय तृतीया के पावन दिन सोना खरीदने की परंपरा भी है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सोने की खरीदारी करने से घर में सुख समृद्धि आती है। अक्षय तृतीया के लिए जब इतनी सारी आते हैं तो जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस साल शुभ मुहूर्त कब है। तो अक्षय तृतीया की तिथि प्रारंभ जो होगी 2022 में वो मई में 3 तारीख को होगी। जी हां, 2022 को 3 मई 2022 को है अक्षय तृतीया। 5:18 पर सुबह स्टार्ट हो जाएगा। तृतीया तिथि समाप्त होगी 4 मई को 2022 को 7:32 पर। अब आपको अगर अबूझ मुहूर्त जानना है और आपको विजया मुहूर्त जानना है तो वो हमने दूसरी वीडियो में आपको डिटेल में बताया हुआ है। पीछे इससे पहले जो वीडियो पड़ा है उसमें, उसको जरूर देखिए, आपको पूरी जानकारी उसमें मिलेगी। और अक्षय तृतीया की कथा भी आपके लिए हमने इसी चैनल पर दूसरे वीडियो में डाला हुआ है। वो वीडियो पड़ चुका है तो आप वो भी देख सकते हैं। अक्षय तृतीया की कथा भी बहुत ही पावन है। श्रवण मात्र से भी जीवन से परेशानियाँ दूर होती हैं। बोलिए एक बार प्रेम से माँ लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय, ओम विष्णुवे नमः। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। इस वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद।